प्राण बल्लभ प्राण प्रीतम प्राणनाथ। इस कीर्तन ग्रंथ के माध्यम से हमारी आत्मा को प्रबोधित कर रहे हैं। साथ जी जागे, जागने का अर्थ क्या है? अंत चक्षु को खोलना। जब हम माया की नींद में होते हैं तो हमारे आंतरिक नेत्र मंद होते हैं। अभी आप जाएंगे घर, गहरे निद्रा में सो जाएंगे, इसमें बाहर के नेत्र बंद हो जाते हैं। लेकिन जब जिस निद्रा की यहां बात की गई है, आपके आंतरिक नेत्रों के बंद होने की बात की गई है, जब अंदर के नेत्र बंद होते हैं तो आपको यह पता नहीं होता है हम कौन हैं, कहां से हैं। शरीर को और संसार को छोड़ने के पश्चात जाना कहां है? आप देखिए, चाहे जाहिरी निद्रा हो, शारीरिक निद्रा हो या माया की निद्रा हो, दोनों में आंखें बंद रहती है, दोनों में पता नहीं होता कि हम कौन हैं। रात को आप सो जाएंगे, सोते समय आप खुद को भूले रहेंगे। उसी तरह से माया की निद्रा में जब आप होते हैं तो शरीर दिखता है, संसार दिखता है, उस समय न आत्मा दिखती है न आत्मा का प्रीतम दिखता है। जग जाने के बाद, जैसे रात को आप सोए सवेरे उठ जाते हैं तो आप किसको देखते हैं? अपने शरीर को देखते हैं, अपने घर द्वार को देखते हैं, सगे संबंधियों को देखते हैं। तो आप शरीर की निद्रा को छोड़ने के पश्चात भी एक और निद्रा में फंसे रहते हैं जिसको कहते हैं माया की निद्रा। और उस निद्रा में तो संसार के सारे प्राणी फंसे हुए हैं। गीता में कहा है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति सन्निमि। अज्ञानता की वह रात्रि जिसमें संसार के सारे प्राणी सोए हुए हैं, सन्निमि पुरुष उसमें जागता है। जागे बिना अखंड का सुख नहीं ले सकते। वाणी का एक ही उद्देश्य है सबको जगाना, इसलिए इस ब्रह्मांड को क्या कहते हैं? जागने का ब्रह्मांड। राज्य हमें जगाने के लिए परमधाम की इस वाणी को लेकर आए हैं। और क्या कहा है? साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर। आखिर के शब्द का प्रयोग अर्थ क्या होता है? जैसे आप किसी को समझा रहे हैं, समझाते समझाते आप एक वाक्य बोलते हैं कि ठीक है, अब दोबारा नहीं कहूंगा, ये मेरा आखिरी वचन है। वैसे ही कीर्तन में कई जगह एक प्रकरण ही आया है, कुछ कई प्रकरणों का एक समूह है, जिसमें क्या कहा गया है? कीर्तन आखिर के, आखिर के कीर्तन का तत्पर्य क्या है? जब श्री जी के ज्ञान का सूरज दोपहर में था, चमक रहा था, उस समय जो गुह बातें कही गई हैं उसको कहते हैं कीर्तन आखिर के। इसी प्रकरण में आगे की इसी प्रकरण की अंतिम चौपाई में कहा गया है कि श्री महामत कहे साथ जी लीजो आखिर के वचन, हुक्म शरत पहुंची दया, कछु अपने अंग करो रोशन। कितनी महत्वपूर्ण बात कही है महामत कहे साथ जी लीजो आखिर के वचन, मैं बार बार नहीं कहूंगा, मेरे ये अंतिम शब्द है, हुक्म शरत पहुंची दया, कछु अपने अंग करो रसन। हुक्म का अर्थ क्या है? राज्य का अब हुक्म है, शरत यही समय है। शरत का तात्पर्य क्या है? यही समय है कि क्यामत का समय आ गया है, अक्षरातीत का ज्ञान तारतम वाणी के रूप में अवतरित हो रहा है, और सब पर दया है, मेहर सब पर महबूब की पर पावे करने माफक। दया का तात्पर्य क्या है? एक चौपाई आती है, कदी सौ साल गिराओ साथ में, धनी अनुभव सौ बेर, मूल अंकुर दया बिना लेकर में डाले अंधेर। एक तो साल नहीं, श्री जी कह रहे हैं कदाचित कोई 100 वर्षों तक अपनी गणना कराता रहे कि मैं 4 पीढ़ियों से सुंदर साथ के परिवार से हूँ, मुझको तारतम लिए हुए इतने समय हो गए। कोई मान लीजिए कि 100 साल में है और तारतम लेता है 20 साल में, तब तो 80 साल का ही हुआ,
कदि 100 साल रहो सातवीं का तात्पर्य है उसकी उम्र यदि भी 120 वर्ष की हो और या 110 वर्ष की हो, 10 साल की उम्र में तारतम्य लेता है, तब तो कहेगा कि मैं 100 साल से तारतम्य लिए हुए हो गए। राजी क्या कहते हैं, कदाचित तुम 100 साल सुंदर साथ के समूह में रहो। धनी अनुभव 100 बेर, अनुभव का तात्पर्य क्या है, आपको सपने में भी रांची के कई बार अनुभव हो गए हों कि रांची ऐसे हैं, रांची ऐसे हैं, आपको लगता है दिल से कि रांची हर पल हमारे साथ है। सुंदर साथ अनुभव के नाम पर बहुत भटकता है। देखिए अनुभव और दर्शन में क्या अंतर होता है, एक प्रश्न होता है कि अनुभव क्या है और दर्शन क्या है। दर्शन साक्षात होता है, दर्शन का तात्पर्य है जैसे देवचंद जी को राजी ने साक्षात दर्शन दिया, बरात के पीछे पीछे जा रहे हैं तो राजी ने उसमें भी दर्शन दिया लेकिन पहचान नहीं। चितवनी में भी देवचंद जी को दर्शन दिया, पिया के प्रसन्न तीन बेर दिए दर्शन, ये दर्शन है जहां राजी का साक्षात दर्शन हो, चाहे हम पहचाने या न पहचाने। अनुभव में कुछ संशय बना रहता है, जैसे एक झलक आई और उजल हो गई, चितवनी में आप बैठे हैं और ऐसा लगा कि सचमुच राजी आ गए, लेकिन वो पल भर के लिए होता है, तो क्या कहेंगे, ऐसा लगा कि राजी आ गए, ये अनुभव होता है। हृदय कहता है कि वही राजी है, सपने में राजी का स्वरूप दिख रहा है और ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप जागृत में देख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, अनुभव। राजी कहते हैं कि मूल अंकुर दया बिना ले कर में डाले अंके अंधेर, यदि आपके ऊपर मूल अंकुर नहीं है, परम धाम की सुरता नहीं है, मूल अंकुर दया बिना आपके अंदर परम धाम का अंकुर नहीं है, राज्य की दया नहीं है, तो कर्मों का बंधन आपका पीछा करता रहेगा, जन्म मरण का चक्र कहां से छूटेगा, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। कहने का से ये तो खींच करके राजी ने कहा है, राजी को क्रोध नहीं आता, लेकिन इस संसार में जब किसी को सिखापन दिया जाता है तो कुछ कठोर शब्द कहने पड़ते हैं। जैसे एक माँ को देखिए, वो अपने बच्चे को मना करेगी कि ये बिच्छू है मत पकड़ो, लेकिन बच्चा दौड़ करके पकड़ने जाएगा तो माँ क्या करेगी, एक चांटा लगा देगी। उसके मन में बच्चे के लिए घृणा नहीं है, अपने बच्चे की रक्षा के लिए प्राण भी देने को तैयार हो सकती है, लेकिन जब देखती है कि मेरा बच्चा कहना कुछ भी नहीं मान रहा है और उल्टे काम कर रहा है, यदि ये बिच्छू को पकड़ेगा तो बिच्छू उसको डंक मारेगा तो उससे ज़्यादा पीड़ा होगी, इसलिए थोड़ी सी हल्की चपत लगा देती है कि इसके अंदर बैठ जाए। उसी तरह से अक्षरातीत आपके लिए कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मूल अंकुर दया बिना ले कर में डाले अंधेर, ये संबोधन किसके लिए, प्राय जीव सृष्टि के लिए। मूल अंकुर तो का तात्पर्य क्या है, जिसके अंदर परम धाम का अंकुर हो उसके लिए नहीं है। सुंदर साथ के समूह में कोई शामिल हो गया है, उसमें ईश्वरीय सृष्टि का भी संबंध नहीं है, परम धाम का भी अंकुर नहीं है, और वो गिनती कराता फिरता है कि मैं चार पीढ़ियों से सुंदर साथ हूँ, मेरे समान कोई नहीं है, मुझे ये अनुभव हुआ, मुझे ये अनुभव हुआ। तो रांची का यह निर्देश है कि अपने अनुभव का अहंकार छोड़कर रांची की कृपा का आकांक्षी बनना चाहिए। देखिए यदि आप सेवा करते हैं और सेवा का ढोल पीटते हैं कि मेरे जैसे कोई सेवा नहीं करता, तो अपने सेवा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लिया। आप ध्यान साधना करते हैं और सबको सुनाते फिरते हैं कि मेरे जैसा कोई ध्यान करने वाला नहीं, तो आपने ध्यान की गरिमा पर कुठाराघात कर लिया। आपकी विद्वता कब तक है, जब तक उस विद्वता में विनम्रता है। आपको ज्ञान मिला है तो उस ज्ञान का अहंकार न रखिए, आप किसी से मत कहिए कि मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं। जब आप अपने ज्ञान का, अपने धन का, किसी चीज का अहंकार करेंगे तो परिणाम क्या होगा, आप सत्य से भटक जाएंगे। उसी तरह से यदि आपको राजी का अनुभव होता है, अनुभव भी कैसा, एक बार मैं कहीं बैठा हुआ था
उत्तर भारत की दो बहनें मताएं बुजुर्ग थी, बातें कर रही थी कि जब मैं रोटी पका रही थी तो मैंने देखा कि बार बार राजी वो तवे पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मुझे उनके अनुभव सुनकर हंसी आ रही थी कि राजी तुम्हें तवे पर ही क्यों दिखाई दे रहे हैं। ऐसी माताओं बहनों को समझाइए तो उनको जो अहंकार रहता है कि उनके जैसा संसार में कोई प्रेम करने वाला नहीं। जिसके पास प्रेम होता है वो कभी अहंकार में नहीं रहेगा, लेकिन जिनके पास प्रेम नहीं होता है वो ऐसे दावा करते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में उनके प्रेम के बराबर कोई प्रेम करने वाला नहीं। उनके लिए यह संबोधन है, कदी 100 साल रहो साथ में, धन्य अनुभव सबेर, मूल अंकुर दया बिना लिख कर में डाले अंधेर। आपको अनुभव हुआ है तो उसका अहंकार बिल्कुल मत रखिए। आप ये मानिए कि राज्य की कृपा से हुआ, आप अपने को राज्य के प्रेम में झोंक दीजिए। उसका मूल्यांकन न कीजिए कि राज्य ने हमें क्या दिया है। वाणी कह रही है कि साथ जी जागिए सुन के शब्द आखिर। अब इसी चौपाई में श्री महामत कहे मेरे साथ जी लीजो आखिर के वचन, हुकम शरत पहुंची दया, कछु अंग अपने करो रोशन, कुछ अपने हृदय में प्रकाश भर लो। राज्य का हुक्म है, हुक्म शरत पहुंची दया, राज्य का हुक्म है, वह समय आ गया है कि इस छठे पांचवें दिन के लीला में सब सुंदर साथ मेरी वाणी को आत्मसात करें। आज तो छठा दिन चल रहा है। हुक्म शरत पहुंची दया, राज्य की दया कृपा मेहर हर पल बरस रही है। यदि हम ये सोच लें कि राज्य हमारे सहरक से नज़दीक हैं और हर पल हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। श्री महामत कहे मोमिनो तुम पर दमदम जो वर्तत। दमदम जो वर्तत का तात्पर्य क्या है? हर पल आभास करना कि राज्य हर पल हमारे साथ हैं, लेकिन हमसे ऐसा नहीं होता। जब कष्ट होता है और राज्य हमारे कष्टों को दूर नहीं करते तो राज्य से हमारा विश्वास टूटने लगता है। हम कभी सोचते ही नहीं। और कष्ट क्यों होता है? लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लाग से। हम खुद माया के पीछे पड़ते हैं। आप देखिए हमारा जीव संसार की तृष्णाओं में फंसा होता है। हमारे जीव में चाहनाएं होती है कि अधिक से अधिक धन की। कल्पना कीजिए आप कोई बड़े अधिकारी बन गए, आप में धन कमाने की होड़ लग जाती है, आप अनैतिक कर्म करते हैं, गवर्नमेंट का पैसा हड़प करते हैं, तो कार्रवाई तो होगी। अब आप पाठ रखवाते हैं, आपने गवर्नमेंट का 1 करोड़ रुपया चोरी कर लिया, गबन कर लिया, और आप राज्य से कहते हैं कि राज्य मैं 5000 रुपये का पाठ रखवा रहा हूँ, इस गबन से मुक्ति मिला दो। राज्य आपके गलत कार्य में सहयोग क्यों देंगे? यदि कृष्ण जी चाहते तो पांचों पांडवों को जुए में जिता सकते थे, लेकिन पांडव जब जुए खेलने लगे तो कृष्ण जी ने कोई सहायता नहीं की। किंतु द्रौपदी का जब चीरहरण होता है तो कृष्ण जी बचाने पहुंच गए, किसी को पता नहीं चलने दिया और द्रौपदी की लाज रख ली। जब पांडवों पर संकट आता है, दुर्वासा ऋषि पहुंचते हैं उस समय जब सभी पांडव भोजन कर चुके थे, और दुर्योधन ने ऐसे समय पर भिजवाया था कि पांडवों को श्राप लग जाए। ऐसे समय में एक बार पुकार करती है द्रौपदी कि मैं क्या करूं, कृष्ण तुरंत प्रकट हो जाते हैं। वही कृष्ण चाहते तो जुआ खेलते समय प्रकट हो सकते थे, लेकिन नहीं। पांचों पांडव एक झूठी मर्यादा निभाने के लिए कि ताऊश्री की इच्छा है तो हमें जुआ खेलना चाहिए, जानते हैं कि जुआ खेलना गलत है फिर भी गलत कार्य कर रहे हैं। उसी तरह से हमारे सुंदर साथ के बीच में जो परम धाम की ब्रह्मसृष्टि होगी वो क्या चाहेगी? केवल राज्य का प्रेम चाहेगी, राज्य के प्रति अटूट ईमान रहेगी। चाहे कंगाल क्यों ना हो जाए, अरबों पति से कंगाल भी हो जाएगी तो भी उसका ईमान कभी डगमगाएगा नहीं, क्योंकि ईमान तो ही उसकी शक्ति है। देखिए सीता को रावण हर कर ले जाता है। सीता 14 वर्षों के लिए राम के साथ वन में चली जाती है, नंगे पांव है सीता जी।
रावण लालच देता है कि सीता तुम मुझे अपना पति बना लो तो मैं तुम्हारी पटरानी, मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा, तुम सोने की लंका में रहोगी, तुम उन वैरागियों के साथ क्यों रह रही हो। लेकिन सीता को कोई स्वीकार नहीं, सीता को मरना स्वीकार है, लेकिन राम को छोड़कर रावण का महल स्वीकार नहीं है। हम सुंदर साथ अपना तुरंत ईमान बदल देते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा, आपने गबन किया तो दंड तो भोगना पड़ेगा। आप राज्य के प्रेम की परीक्षा लेने लगते हैं, एक पाठ रखवाकर, कुछ पैसे का भोग चढ़ाकर, कुछ इधर उधर सेवा करके सोचते हैं कि राज्य हमें गबन से मुक्ति नहीं कराते तो मैं यही समझूंगा कि राज्य में कोई शक्ति नहीं है। राज्य करवा तो देंगे, लेकिन राज्य ने ही तो विधान बनाया है कि जो चोरी करे उसको दंड मिलना चाहिए। राज्य अपने ही बनाए हुए विधान को कैसे भंग कर सकते हैं? इससे यदि आप गलत कार्य करेंगे तो राज्य कभी भी आपकी सहायता नहीं करेंगे। और सुंदर साहब के ईमान की यही परीक्षा होती है। सीता को हर पल विश्वास है कि मेरे राम हर पल मेरे साथ हैं। आप सुंदर साहब को विश्वास नहीं होता कि हमारे राज्य हमारे साथ हैं। लेकिन राज्य किसी गलत कार्य में आपके साथ नहीं होंगे। आप अच्छे कार्य कीजिए, आपको पुकारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पाठ रखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर पल राज्य आपके साथ रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं, हुकम शरद पहुंची दया, कछु अंग अपने करो रोशन। अपने हृदय में कुछ प्रकाश भर लीजिए। किसका? राज्य की कृपा का प्रकाश, उनके ज्ञान का प्रकाश, कि आपका हृदय राज्य की शोभा से जगमगाता रहे, माया के अंधकार से परे हो जाए। जिस कक्ष में माया का, जिसे कोई कक्ष है उसमें अंधेरा भरा पड़ा है, मेज कहाँ रखी है, कुर्सी कहाँ रखी है, दिखाई नहीं देती। बल्ब जलाते हैं, बटन दबते हैं, कमरे में उजाला फैल जाता है, हर वस्तु दिखाई देने लगती है। उसी तरह से आपके हृदय में जब जागने का प्रकाश फैल जाएगा, जागने का प्रकाश फैलने का तात्पर्य आपके अंदर अटूट ईमान आ जाए, अटूट प्रेम आ जाए, पूर्ण समर्पण आ जाए, वाणी का ज्ञान आ जाए और आपके धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि बस जाए, तो क्या कहेंगे? अब आपका अंग, आपका हृदय प्रकाश से जगमगा रहा है, जागने के प्रकाश से। महामिति जी के आत्मा के द्वारा राज्य हम सुंदर साथ को इस सिखापन दे रहे हैं कि साथ जी जागिए सुन के शब्द आखिर, सकल आउद अंग साज के दौड़ मिलिए धनी निज घर। सकल आउद अंग साज के, अपने हृदय के, आपके दिल में जो भी हथियार हैं, आपको क्या हथियार दिया गया है? जैसे कभी कोई निराश होता है कि क्या करें, मेरे पास तो कुछ नहीं है। आपने कभी सोचा है कि आपके पास कितनी बड़ी दौलत है? एक जो झोपड़ी में व्यक्ति रहता है, जानते हैं उसकी किडनी की दाम, किडनी का दाम कितना होगा, उसकी दोनों आंखों का दाम कितना होगा, उसके लीवर का दाम कितना होगा? करोड़ों रुपए का तो ये शरीर है, और ये तो मिट्टी के शरीर की मैं बात कर रहा हूं। उसकी जो चेतना है, वो नारायण का अंग रूपा है, नारायण का अंशभूत है, प्रतिबिंबित स्वरूपा है। यदि उसके अंदर परम धाम की आत्मा हुई तो आप सोचिए, परम धाम की आत्मा तो अक्षरातीत की अर्धांगनी है, अनंत ब्रह्मांड जिस सत अंग के संकेत मात्र से बनते हैं, वो अक्षर ब्रह्म भी उन परमात्माओं का दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए हम अपनी विपन्न अवस्था को न देखें कि हम तो बहुत गरीब हैं जी, हम झोपड़ी में रहते हैं जी, हम छोटे समाज से आते हैं जी। अपनी शक्ति को पहचाने कि आप कौन हैं। जिस दिन आप पहचान लेंगे कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, मैं काम क्रोध मद लोभ अहंकार से परे हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, सभी बंधनों से मैं परे हूँ, तब आपको अपनी गरिमा का आभास होगा। और जब तक आप अपनी गरिमा को नहीं समझेंगे, अपने स्वरूप की पहचान नहीं करेंगे, शरीर से देखिए, राजा जनक का दरबार लगा है, अष्टावक्र जी वहाँ पहुँचते हैं। अष्टावक्र क्या हैं? आठ अंगों से टेढ़े हैं, उनको देखकर सभी हंसने लगते हैं। अष्टावक्र भी हंसते हैं कि ये मेरे शरीर की कुरूपता को देखकर हंस रहे हैं और मैं इनके अंदर बैठे हुए अज्ञान को देखकर हंस रहा हूँ। जब अष्टावक्र
जनक को ब्रह्म ज्ञान देते हैं तो उस सभा में बैठे हुए जितने विद्वान थे, जितने ऋषि मुनि थे, सबका मस्तक सिर सर लज्जा से झुक जाता है। हमारे अंदर मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, इसको क्या कहते हैं? अंग, हृदय। सकल आउद अंग साज के दौड़ मिलिए धनी निजघर। अपने हृदय में जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, हथियार हैं, आयुध, सकल आउत आपका मन क्या कर सकता है? अनंत वेग से गमन करता है। संकल्प विकल्प करना इसका कार्य है। तो मन को, मन एक हथियार है, इसका दुरुपयोग भी हम ही करते हैं, सदुपयोग भी हम ही करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति राइफल खरीद लिया, उसको चलाने नहीं आता तो क्या करेगा? यदि निशाना लगाने नहीं आएगा तो मारना होगा किसी और को, मार देगा किसी और को, अपने कंधे में चोट भी लगवा लेगा। ये मन है, मन को यदि यदि विवेक हो जाता है तो वो जीव को अंधकार में नहीं फंसने देता। मन ही देवे सत साहिबी, मन ही करे फजीत, मन के हरे हरिये, मन के जीते जीत। ये मन को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। इसके लिए तो भागता है, प्रेम के लिए पत्नी के पीछे जाता है, पति के पीछे भागता है, खाने पीने की वस्तुओं के पीछे भागता है, सुंदरता के पीछे भागता है कि इसमें मुझे शांति मिल जाए, अमुक रिश्ते से प्रेम मिल जाए, सुख और शांति प्रेम की खोज में मन भटकता रहता है। और मन जब भटकता है तो जीव भी असहाय हो जाता है, क्योंकि क्या है, जैसे एक रथ है, रथ में घोड़े जुते हुए हैं, रथ के ऊपर सारथी बैठा है लगाम लेकर, और उसके ऊपर जो रथ में सिंहासन सजाया है उसमें रथ का मालिक रथी बैठा है। जो रथी है वह क्या है? वह जीव है। और जो सारथी है वो क्या है? बुद्धि, मनापग्रम। और मन क्या है? लगाम है। सारथी अच्छा होगा तो लगाम को बढ़िया से नियंत्रित करेगा, और लगाम सही रहेगी तो घोड़े सही रहेंगे। बुद्धि यदि सही नहीं रहेगी तो, अर्थात सारथी सही नहीं रहेगा तो लगाम को नियंत्रित नहीं कर पाएगा और घोड़े रथ को गड्ढे में गिरा देंगे। शरीर क्या है? रथ है। जो उस पर बैठा हुआ है रथी, वो है जी। सकल आउदंग साज के, हमें क्या करना है? सारथी को ठीक करना है। सारथी अर्थात बुद्धि कैसे ठीक होगी? एक तो सात्विक आहार से। बुद्धि का कार्य है विवेचना करना, चित्त का कार्य है चिंतन करना, मन का कार्य है मनन करना, और अहंकार का कार्य क्या है? अहंपना करना, मैं क्या हूं। आप अहंकार इस बात का मत लीजिए कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। आप अहंकार किसका लीजिए कि मुझे राज्य के चरण कमल मिले हैं, मैं परम धाम की आत्मा हूँ। इसको स्वाभिमान कहते हैं। स्वाभिमान और अभिमान दोनों में अंतर होता है। अभिमान किसको कहते हैं? बाह्य जगत की जितनी उपलब्धियाँ हैं उसको अभिमान कहते हैं। आपको अपने शरीर की सुंदरता का, धन का, कुल खानदान का, प्रतिष्ठा का, पद का जो अहंग है इसको अभिमान कहते हैं। और स्वयं के अहंग का, स्व आपका स्व अभिमान, स्व का अभिमान क्या है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। पहले क्या हो रहा था? शरीर की मैं, संसार की मैं बनी हुई थी। आपने इसको छोड़ दिया और किसकी मैं ले बैठे? अपनी आत्मा के स्वरूप को, कि मैं परम धाम की आत्मा हूं और मेरी आत्मा काम क्रोध मद लोभ सभी विकारों से परे है। जब आप ऐसी भावना ले लेते हैं तो क्या परिणाम होता है? आपकी आत्मा में जो परम धाम के मूल संबंध के कारण राज्य की कृपा बरसती है, अब उसके परिणाम स्वरूप जीव इस अहंकार को, इस स्वाभिमान को लेता है कि मैं परम धाम की आत्मा हूं। तो विवेचना बुद्धि क्या करेगी कि मैं परम धाम की आत्मा हूं। यदि
आप अहंकार लेते हैं संसार का, तो आपकी बुद्धि भी गलत दिशा में सोचने लगेगी, क्योंकि अहंकार जिधर निर्देशित होगा बुद्धि भी उधर जाएगी। जैसे आपने जीव भाव लिया कि मैं संसार का हूँ, तो संसार में आप ऊंचे कुल खानदान के हैं, आपको अपने स्वरूप का बोध नहीं। इस अहंकार का शोधन कैसे होगा? तत्व ज्ञान से। वाणी का चिंतन आपको बताएगा कि आप कौन है। इसलिए पहला सुधार जरूरी है अहंकार में, और अहंकार का सुधार होगा वाणी के ज्ञान से। जब आप सात्विक आहार करेंगे, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, जब तक आहार में शुद्धि नहीं होती है, चाहे कोई कितना भी बड़ा से बड़ा परमहंस हो, यदि वह भी अपने आहार को विकृत कर सकता है, तो जिस अध्यात्म का रस ले रहा था उसे वंचित हो जाएगा। इससे जितने भी बड़े बड़े परमहंस हुए हैं, साधना के कठोर समय में उनका आहार सूक्ष्म हो जाता है, उनका आहार बहुत सात्विक होता है। क्योंकि जब तक सतोगुण की अवस्था नहीं होती, तब तक आप चितवनी की गहराइयों में नहीं डूब सकते। आप कहेंगे कि हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता, मैं कितने भी लहसुन खाऊं, प्याज खाऊं, मिर्च खाऊं, कुछ असर नहीं होता। ऐसा नहीं है। जो सच्चे हृदय से साधना करता है उसको पता है कि थोड़ी भी अशुद्धि आपको समाधि के सुख से वंचित कर देगी। हाँ, आप खूब लहसुन, खूब गर्म मसाले, मिर्च खाकर आंखें तो बंद किए रहेंगे, बैठे रहेंगे, दूसरों को पता रहेगा कि आप खूब ध्यान में बैठे हैं, लेकिन ध्यान, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ध्यान कभी लग ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक सतोगुण को पार नहीं करेंगे समाधि अवस्था में पहुंचना संभव नहीं। और रजोगुणी आहार करके, तमोगुणी आहार करके कोई ये सोचे कि मैं समाधि में पहुंच जाऊं, सीधे राज्य का दर्शन कर लूं, कभी भी संभव नहीं। इसलिए बुद्धि ठीक होगी तो क्या होगा? आपका चित्त में जो बुरे संस्कार हैं वो दब जाएंगे और अच्छे संस्कार आएंगे, और आपका मन अच्छे संस्कारों के अनुसार कार्य करने लगेगा। अर्थात बुद्धि के ठीक होते ही लगाम सही दिशा में चलने लगती है कि किस घोड़े को किधर की तरफ मोड़ना है, रथ को किधर मोड़ना है, यदि कहीं सामने गड्ढा आ जाए तो उसे बचाना कैसे है। ये कब होगा? जब बुद्धि और मन कार्य सही दिशा में करेंगे। इसलिए मन की पवित्रता के लिए बुद्धि की पवित्रता आवश्यक है। सकल अवदंग सहज के दौड़ मिलिए धनी निज घर। आप अपने सभी अस्त्र शस्त्रों को, सकल अवदंग सहज के, आपकी आत्मा जिस जीव पर बैठी है, उस जीव के जो भी अंग हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार, उनको अस्त्र के रूप में प्रयोग कीजिए अपने प्राणेश्वर को पाने के लिए। आपके मन में राज्य के लिए प्रेम हो, समर्पण हो, श्रद्धा हो, बुद्धि में परम तत्व की विवेचना हो, अहंकार में परम धाम के मूल स्वरूप का भाव हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं संसार की वासनाओं में फंसने वाली नहीं हूँ, मैं तो परम धाम की आत्मा हूँ, अक्षरातीत की अर्धांगिनी हूँ, संसार के विषय मुझे भला क्यों मोह में डालेंगे। जब इस भावना के साथ आप चितवनी में बैठेंगे, वाणी के चिंतन में लगेंगे, तो परिणाम क्या होगा? आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश आता जाएगा। चितवनी जैसे जैसे आपकी गहराती जाएगी, आप संसार के सभी द्वंद्वों से परे होते जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके हृदय मंदिर में साक्षात युगल स्वरूप का दीदार होगा। इसको कहते हैं दौड़ मिलिए धनी नीच घर, दौड़ते हुए मिलना। एक तो होता है चल करके जाना, धीरे धीरे, कोई तेज कदम से चलता है और कोई दौड़ता है। सुता हुए सो जागियो, जागा बैठा हो, बैठा ठाड़ा हो यो, ठाड़ा पाँव भरे आगे सो। पाँव भरने का तात्पर्य तेज कदमों से चलना। यहाँ राजी कह रहे हैं दौड़ मिलिए धनी निज घर। आप अपनी आत्मा के धाम हृदय में 25 पक्षों की शोभा को देखिए, अपने प्राणेश्वर से दौड़ करके मिलिए। आपका प्रीतम कहीं दूर नहीं बैठा है, वो तो प्राण की नली से भी निकट है। जो सबसे निकट है उसको आप दूर क्यों मान बैठे हैं? क्योंकि आपके अंग सही दिशा में कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए जागने का ये ब्रह्मांड चल रहा है, जागने लीला भी चल रही है, लेकिन कछुए की गति से चल रही है। हमारी जागने भी बहुत धीमी गति से चल रही है।
हमको तारतम्य लिए हुए 10 साल बीत जाते हैं, 20 वर्ष बीत जाते हैं। पूछा जाता है प्रगति क्या हुई, तो हम कभी आत्मचिंतन तो नहीं करते कि हमको तारतम्य लिए हुए इतने वर्ष हो गए। आप सोचिए, प्रतिदिन 1 घंटा आप चिंतन करते हैं, 1 घंटे में आप 5 पेज यदि पढ़ जाते हैं तारतम्य वाणी की टीका के, तो 1 वर्ष में आप 1800 पेज पढ़ जाएंगे। और सोचिए 10 वर्षों में आप 18,000 पृष्ठों का चिंतन आपने कर लिया। और यदि 1 वर्ष में प्रतिदिन आप 1 घंटा चितवनी करते हैं तो 1 वर्ष में 365 घंटे और 10 वर्षों में 3,650 घंटे आपकी चितवनी के होते हैं। यदि इन 10 वर्षों में आपने चोरी नहीं की, मांस भक्षण नहीं किया, शराब नहीं पिया, हर स्त्री को माँ का रूप देखते रहे, कभी बुरे कर्म नहीं किए, तो आप सोचिए 10 वर्षों में आपकी प्रगति कितनी हो जाएगी। आपने केवल 2 घंटे खत्म किया। मैं नहीं कहता हूँ कि आप घर द्वार छोड़कर हिमालय में गुप्त की गुफा में चले जाइए। आप अपने घर रहकर प्रतिदिन 2 घंटे तो राज्य के लिए दीजिए, 1 घंटे वाणी चिंतन के लिए, 1 घंटे चितवनी के लिए। रात को सोने से पहले राज्य का ध्यान कीजिए और आत्मचिंतन कीजिए कि आज पूरे दिन मैंने कुछ गलत कार्य तो नहीं कहा, मैंने किसी को कटु वचन तो नहीं कहा, किसी की निंदा तो नहीं की, किसी के धन पर मेरी कुदृष्टि तो नहीं हुई, यदि हुई है तो मुझे भविष्य में ये बुरे कर्म नहीं करने। देखिए आपकी जागने की गाड़ी कितनी तेजी से चलती है। इसलिए कहा है सकल अवधंग साज के दौड़ मिलिए धनी निज घर, राज्य का यह सिखापन है। और इसमें संबोधन क्या है, साथ जी जागिए सुन के शब्द आखिर, मैं बार बार नहीं कहूंगा, ये मेरे अंतिम शब्द हैं, सुन के शब्द आखिर, मेरे ये आखिर के शब्द हैं। अर्थात कोई मेरे से आशा न करे कि मैं महामती बार बार आपको कहता ही रहूंगा, मैं अंतिम बार कह रहा हूं कि जग जाइए, अपने हृदय के सारे अस्त्र शस्त्रों को, सारे आयतों को तैयार कर लीजिए माया से लड़ने के लिए, इनको माया में भटकने न दीजिए और दौड़कर अपने प्रीतम से मिलन कीजिए। आपका प्रीतम आपकी आत्मा के धाम हृदय में बसता है, आपका परम धाम आपकी आत्मा के धाम हृदय में बसता है। अर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, इताई करो आराम। दूर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल संसार से और शरीर से परे होने आए। बाहर आनंद नहीं मिलेगा, बाहर राज्य नहीं मिलेंगे, जब मिलेंगे तो आपको अपनी आत्मा के धाम हृदय में मिलेंगे। इसलिए कहा है कि अर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, तय करो आराम। आप शरीर को स्थिर कर लीजिए, मन को लक्ष्य पर लगा दीजिए, बुद्धि को शांत कर लीजिए, सत्वगुणी बना लीजिए। इसके लिए आपको आहार की सात्विकता बढ़ानी ही पड़ेगी। आप सोचिए कि मैं पहले जैसा खाता रहता था, तीखी तीखी लाल मिर्ची खाता था, 15-15 कप चाय कॉफी पीता था, खूब लहसुन की चटनी खाता था और वह खा करके सब कुछ कर लूँ, तो तब तो नहीं होगा। मैंने कितने महात्माओं को बर्बाद होते हुए देखा है खान पान की अशुद्धि के कारण, क्योंकि उनका जीव पर नियंत्रण नहीं था। घर द्वार छोड़े बेचारे, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं लगा, उन्होंने अपना सारा जीवन खो दिया। कहने का आशय क्या है, ये अध्यात्म की गोई बातें होती हैं जो कोई कोई बताता है, कोई निर्देशक नहीं होता। और अपने मनमाना कोई ध्यान करने लगे, जो मन में आए वही खाए, जो चाहे वो करे, तो ध्यान में प्रगति नहीं हो पाती। इसलिए राजी बार बार सावचेत कर रहे हैं, सकल आउत अंग साज के। हम कहते हैं कि नहीं, हम तो चलते फिरते ध्यान कर लेते हैं, वाणी में कहाँ लिखा है ये सब करने को, वाणी में कहाँ लिखा है कि प्याज मत खाओ, वाणी में तो ये भी तो नहीं लिखा है कि प्याज खाओ, लहसुन खाओ। प्याज और लहसुन औषधि है, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ, उसको खाने में कोई पाप नहीं है, लेकिन मात्रा तो रखिए। आप खूब तीखी तीखी चीज़ें खाएंगे तो आपका ध्यान कहाँ से लगेगा। इसलिए कहा है रेहवे निर्गुण हो के आहार भी निर्गुण। निर्गुण आहार का तात्पर्य क्या, सात्विक आहार, रजोगुणी आहार न हो, तामसिक आहार न हो, अपने आहार को सात्विक बनाइए, तभी आपका मन शांत होगा। शांत मन से ही आप ध्यान की गहराइयों में पहुंचेंगे, शरीर से परे होंगे, नहीं तो क्या होगा। रात भर गरबा करेंगे, नाचेंगे कूदेंगे,
दुनिया तो आपको भगत जी कहेंगे कि देखो भगत जी पूरी रात भजन गाते रहे, नाचते रहे, लेकिन आपकी आत्मा को कुछ नहीं मिलेगा। तब मिलेगा जब आप शरीर से परे हो जाएंगे, संसार से परे हो जाएंगे। आपको कुछ भी आभास नहीं रहेगा कि मेरे शरीर कहाँ है, और इसी अवस्था में आपको अपनी प्रीतम से मिलन होगा। परम धाम के 25 पक्षी के दृश्य आपको दिखेंगे, लेकिन इसके लिए अपने अपने जो अंतःकरण के रूपी अस्त्र शस्त्र हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार, उनको साधना पड़ेगा, उनकी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि सुंदर साथ तरतम वाणी के इन कथनों को अंगीकार करेगा, और जो निर्देश दिया है राज जी ने कि मेरे ये शब्द अंतिम शब्द हैं, और मैं इन अंतिम शब्दों में ये पुकार रहा हूँ कि जागिए साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर, सकल अवतंग साज के दौड़ मिलिए, धन्य निजगण प्रणाम।